भारत में कोरोना का कहर जारी। 26,000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव केस का मामला। भारत में 824 लोगों की ले चुका है जान। राजधानी दिल्ली में 2500 कोरोना पॉजिटिव केस। दिल्ली में 53 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रमजान से पहले ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना वायरस मुक्त हो जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गरीबों को 3 महीने का मुफ्त गैस सिलेंडर राशन सुविधा दी जा रही है। इसमें सरकारी विभागों के लोग बैंकिंग सेक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश की राज्य सरकारों की भी मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वे इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। स्थानीय प्रशासन राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में सिर्फ रिहायशी दुकानें ही खुलेंगी, बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं, गंभीर मरीजों की भी हालत सुधर रही है। ठीक होने वाले लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। दिल्ली में 3 और नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। उसमें गली नंबर 9 शालीमार गांव, गली नंबर 3 शालीमार गांव और एक्स ब्लॉक गली नंबर 1-3 यादव विला उत्तर पूर्वी दिल्ली को शामिल किया गया है। बता दें कि दिल्ली में हर रोज कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली में 2514 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 53 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देशव्यापी लॉकडाउन के तहत दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए उसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहा है। ये 21 मार्च से ही चल रहा है रेगुलर, एक टाइम जरूर, और कभी सुबह चाय वगैरह चलती है सुबह और शाम में। भोजन की समस्या पूर्ण हुई है ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ, वो तो सेवा करती रहनी पड़ेगी, किंतु अभी प्रिवेंशन के मोड में जाना पड़ेगा। इसलिए सैनिटाइजेशन मास्क, सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट और फिर लोगों को एजुकेट करना, और हम तो मानते हैं कि सोशल डिस्टेंस ये बहुत अच्छा शब्द नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस हमने रखना चाहिए और सोशली क्लोज आना चाहिए। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते गाजियाबाद में एक वेबसाइट ने लोगों को सेवा देने के लिए नया तरीका निकाला है, जिसके जरिए सुपीरियर बाजार नाम की वेबसाइट लोगों के घर तक सामान डिलीवरी करेगी और लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए सैनिटाइज और सेफ्टी किट साथ डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंचाएगा। समाज सेवी संस्थाएं भी कोरोना को हराने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में एक समाज सेवी फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं तो वहां के लोगों को राशन भी मुहैया करा रहे हैं। देखिए, ये वैसे तो वार्ड नंबर 5 है और जब से लॉकडाउन हुआ है आज से 15-20 दिन पहले से ये पूरे क्षेत्र में, जैसे कि संजय कॉलोनी सेक्टर 23 जीवन नगर गोची अपना घर सोसाइटी, सारे इलाकों में हो चुका है। और जो जहाँ से हमें कॉल आ रही है, जहाँ पर प्रशासन द्वारा सैनिटाइजर नहीं हुआ है, हम वहाँ जा कर के मेरी हमारी पूरी टीम जा कर के वहाँ पर सैनिटाइजर कर दिया जी। सर, ये मैं और हमारी टीम के कारण भाई नीरज प्रेमी जी जिनके थ्रू ये सैनिटाइजर किया जा रहा है, और बाकी सारे साथी जो हमारा इस सैनिटाइजर और छिड़काव करने में हमारा साथ दे रहे हैं। भाई नीरज प्रेमी की सहायता से काफ़ी गरीब परिवारों को राशन भी दिया गया है। सरकार की तरफ से सैनिटाइजर छिड़काव नहीं? नहीं जी, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ये हमारे भाई नीरज प्रेमी जी अपनी तरफ से सारा कुछ कर रहे हैं और गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, घर घर जाके उनको राशन पहुँचा रहे हैं। जो लोग ये वार्ड नंबर पाँच के जितने भी कॉलोनी सेक्टर एरिया हैं उनमें सारे में नीरज भाई जी अपने घर पास जाके हमारी टीम साथ जाके सैनिटाइजर कर रही है। कॉल आती है आपके पास, कैसे पता चलता है आपको? हाँ जी, कुछ लोगों के पास कॉल नंबर है हमारा, जो जिससे लोग संपर्क कर लेते हैं और संपर्क के कारण हम उनके पास पहुँच के उनकी समस्या को दूर करते हैं।